मंत्रालय का शीर्षक क्या है? महिला एवं बाल विकास। और किसी भी देश का अगर कोई, मैं मानता हूं, असली धरोहर है, असली पूंजी है, तो वो महिला है और वो बाल। हम प्रगति की दौड़ में जूझने के लिए तत्पर होते हैं, हम विकास के दौड़ में जूझने के लिए तत्पर होते हैं, विश्व स्तर में और राष्ट्र स्तर में और प्रादेशिक स्तर में जवाब
संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हो, अपने भविष्य अपना नहीं, अपने परिवार का नहीं, अपने गांव का नहीं, अपने जिले का नहीं, अपने प्रदेश का नहीं, अपने देश का भविष्य पर संवार रही हो। मैं नमन करता हूं आपको। और आप लोगों को भी बड़ी एक अच्छी प्रिंसिपल मिली। हम लोग भी जब स्कूल में होते थे हम प्रिंसिपल के सामने काटते थे, क्योंकि तो प्रिंसिपल अटेंडेंस लेते थे और जब कुछ नटखट काम किया तो प्रिंसिपल हमें बन लेते थे। कोई मत कीजिए आपकी प्रिंसिपल। मैं बधाई देना चाहता हूं आज दिल्ली से अजय तिर्की जी आए हैं, रंजन जी ने भी अपने उद्बोधन में, अनुपम राजन जी ने अपने उद्बोधन में सब कुछ हमें समझाया इस बात के बारे में, इमरती जी ने समझाया। और देखो आप कितने अच्छे तरीके से आधुनिक तकनीक का समावेश किया जा रहा है महिला बाल विकास मंत्रालय के अंदर। मुझे अभी भी देख रहा है कि मध्य प्रदेश के दूसरे मंत्रालयों में ये कार्य हो रहा है कि नहीं, शायद अवश्य हो रहा होगा, लेकिन वेबसाइट लॉगिन आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पिक्चर लेकर दिखाना दिन प्रतिदिन की कार्य वहां हो रहा है या नहीं। मैं भी जब डाक विभाग का मंत्री था तब हर पोस्ट ऑफिस में भी मैंने ऐसे ही सिस्टम करवाया कार्य के प्रति निष्ठा हो, तकनीक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो, माध्यम के रूप सूचना प्रौद्योगिकी अपने आप में अंत नहीं हो सकता, लेकिन माध्यम हो सकता है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके, कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए। और वही एक माध्यम का इस्तेमाल किया जा रहा है महिला बाल विकास मंत्रालय। आज जो व्हाट्सएप का नंबर का उद्घाटन किया है, साधारण तौर पर के हम लोग तो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं बेकार बेकार के मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को नीचे दिखाना। पर मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे महिला बाल विकास मंत्री ने व्हाट्सएप का उपयोग किया है सकारात्मक कार्य के लिए। और मुझे बताया भी गया है कि जितनी भी कठिनाइयां होंगी ये महिला बाल विकास मंत्रालय का ही स्पेशल सेल होगा, चाहे इनका समाधान होगा, निराकरण होगा, कि दूसरे हेल्पलाइन के पास नहीं जाएंगे ये कठिनाइयां, वही मंत्रालय के अंदर इनका समाधान होगा। और उसी के साथ जो ये आंगनबाड़ी शिक्षित के शिक्षा केंद्र की आधुनिकीकरण, एयर कंडीशन का वातावरण, एक खेल माँ का माहौल, पौष्टिक आहार का माहौल, और मैंने सैंपल किया, इतना स्वादिष्ट खाना बनाया जा रहा है। सभी आंगनबाड़ी की महिलाओं को मैं बधाई भी अर्पित करना चाहता हूं। अगले बार दौरे में जाऊंगा तो मैं भी आपके साथ नहीं बोलूंगा। मुझे कहा गया है कि दो दो ढाई ढाई तीन तीन लाख में एक एक आंगनबाड़ी का एक आधुनिकरण किया जा रहा है। 313 आंगनबाड़ियों का यह कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। अब 475 क्षेत्रों में इसका विस्तृतीकरण किया जाए। मैं बधाई देना चाहता हूं मंत्रालय को। पर एक बात भी मैं कहना चाहता हूं, मैंने अभी सुना कई अफसरों के द्वारा कि कई कई संसाधनों को जुटाने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि ये जन सहयोग के आधार पर किया जा रहा है। तो इस मंच से मैं अपने तरफ से भी हमारे गोंडे चंबल संभाग में 34 विधानसभाएं, तो मैं इमरती देवी जी को और राजन जी को और ओझा साहब को कहना चाहता हूं, एक एक विधानसभा में एक एक आंगनबाड़ी शिक्षा केंद्र को आप चिन्हित करिए और उसका पूरा बजट बना।
बना दीजिए और सिंधिया परिवार की नीति राशि से स्वास्थ्य सामने वाले शिक्षक केंद्र की राशि तैयार करें। जिस गुणवत्ता के आधार पर आप लोगों का कार्य हो रहा है, मैं बधाई देना चाहता हूं। 24 आंगनबाड़ी शिक्षा केंद्र मतलब 2.5 लाख 3 लाख का अनुमान हम लोग लगाएंगे तो करीब 1 करोड़ रुपए जाएगा। सिंधिया परिवार की निजी राशि से आपके इस कार्यक्रम के लिए मैं 1 करोड़ रुपए में आप लोगों को गुणवत्ता के आधार पर कार्य हो, यही मेरी कामना और मनोकामना है। इस बेहतरीन कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं और एक बात अंत में मैं कहना चाहता हूं, हमारे प्रदेश में एक कैंसर है कुपोषण का। कम से कम एक टारगेट हमें रखना चाहिए इस कांग्रेस के कार्यकाल में, मध्य प्रदेश से इस कुपोषण का कैंसर का कलंक को सदैव के लिए हटा कर रखना। और ये आसान काम नहीं है क्योंकि कुपोषण एक बीमारी नहीं है। बीमारी होती है तो एंटीबायोटिक ले लो, दवाई ले लो, अस्पताल में भर्ती हो जाओ, ठीक होने के बाद दुनिया हो जाओ। कुपोषण एक सामाजिक अव्यवस्था है, वातावरण है, और अगर उस कुपोषण को मिटाना है तो सामाजिक परिवर्तन हमें लाना होगा। केवल खान पान के आधार पर नहीं, लेकिन हमारी महिलाओं को शिक्षित उस क्षेत्र में हमें करना होगा, उन्हें ज्ञान प्राप्त कराना होगा। कई महिलाएं मनरेगा में काम करती है, रोजगार करती है, किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ता है कार्य करने के लिए, घर वापस नहीं आ सकती अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए, जिसके आधार पर कुपोषण होता है। तो जहां रोजगार गारंटी का काम चल रहा है उसके समीप को दे पाए। अनेक ऐसे कार्यक्रम आपको संयोजित करने पड़ेंगे। मैं तो केवल साधारण नागरिक के रूप में आपको जो मेरे छोटे दिमाग में सुझाव है मैं हासिल कर सकता हूं, लेकिन ये गलत है मध्य प्रदेश का, ये गलत है हमारे संभाग पर और कुल मिलाकर इन्हीं तत्वों को